नीड फॉर मॉड्यूलेशन। तो हमने हमेशा से देखा है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मॉडेम होता है, मोस्टली कंप्यूटर्स में। तो अगर हम इसको दो हिस्सों में बांटे तो फर्स्ट इज मॉड्यूलेटर और दूसरा होता है डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो मॉडेम इज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम का काम क्या है या मॉड्यूलेटर क्या काम करता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस है जिसको हम समझने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। जैसे हमको बोला गया है कि हम हमेशा से इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, इन्फो शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन्फो शेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास इंफॉर्मेशन सिग्नल होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं मैसेज सिग्नल। ठीक है, मैसेज सिग्नल बोलते हैं। और मैसेज सिग्नल का और एक नाम है, दैट इज कॉल्ड एज बेस बैंड सिग्नल। क्या नाम है? बेस बैंड सिग्नल। इतने फैंसी नाम क्यों दिए गए हैं? क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर से ये सारी चीजें, मतलब वहीं से टेक्नोलॉजी आई है, तो उन्होंने जो नाम दिए है, बेस मतलब ओरिजिनल और बैंड मतलब रेंज। जैसे कोई भी बैंड होता है तो अकेला तो नहीं होता ना बैंड में इंसान, है ना? तो ये बैंड किस बैंड की बात करें? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज की बात हो रही है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज की बात हो रही है। ठीक है, तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो बेस बैंड सिग्नल। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अगर मैं बोल भी रहा हूं, अगर ऑडियो रेंज में भी, ऑडिबल रेंज में भी अगर कोई साउंड प्रोड्यूस होता है, इवन इफ समवन टॉक्स, वो रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। तो एक बैंड है, कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी कभी भी, हमेशा क्या होगा? रेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सो हमारे पास बैंड है जिसको हमें आगे भेजना है, जो कि हमारा मैसेज सिग्नल है। ठीक है, तो हमें बोलते हैं कि हमारे पास सिग्नल की, हम बोलते हैं हमारे पास सिग्नल की बैंड विड्थ, बैंड विड्थ। ठीक है, तो हमारे पास चलो ऑडियो सिग्नल है जिसके बैंडविड्थ हमको पता है कि ये रेंज पूरी की पूरी बैंडविड्थ कितनी हो गई? 20 किलोहर्ट्ज, यही बोलेंगे ना? मतलब हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी करेंगे तो हमें बैंडविड्थ मिल जाएगी। तो हमारे पास सिग्नल की इतनी बैंडविड्थ है क्योंकि हमारी रेंज इतनी है। समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? सो वी हैव 20 किलोहर्ट्ज का बैंडविड्थ। ठीक है, तो अब ये जो सिग्नल है ये सही में हमें कितने दूर तक भेजना पड़ेगा ये हमको पता नहीं है अभी। तो लेट्स सपोज कि हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करवाना है इस सिग्नल को, लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजना है। ठीक है, क्योंकि हमको तो सारी प्रोबेबिलिटीज इसको कंसिडर करके ही करनी होगी। तो वो कौन से फैक्टर्स है जो इस सिग्नल को अब अफेक्ट करेगा? हमारे पास एक सिग्नल है जिसकी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज है, मतलब जिसका बैंडविड्थ 20 किलोहर्ट्ज है, मतलब 20,000 हर्ट्ज है, इसको हमें भेजना है। सो डिफिकल्टीज क्या है इसको भेजने के? तो डिफिकल्टीज क्या है? डिफिकल्टीज बोलने से अच्छा रियलिटी चेक कर लेते हैं हम लोग कि हमें सिग्नल भेजना है तो यार एंटीना लगेगा। ठीक है, फिर उस एंटीना की पावर कितने है, मतलब पावर मतलब रेडिएशन पावर कितनी है वो देखना पड़ेगा। और फिर ये सिग्नल, क्योंकि एक ही सिग्नल तो नहीं रहेगा एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग में, हमेशा दूसरे सिग्नल्स रहेंगे, मतलब मिक्सिंग अप का टेंशन रहेगा। तो तीनों फैक्टर्स हम डिफरेंशिएट या इजीली पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर एंटीना। तो एंटीना क्या है? जो हमारे सिग्नल को, जैसे ये टावर दिख रहा है अपने एरिया में होता है, हर बार हर जगह जो सिग्नल हर डायरेक्शन में क्या करता है? एमिट करता है। ठीक, तो नहीं रहेगा। सो
इस सिग्नल को अगर हमें भेजना है तो हम प्रॉपर एंटीना का साइज कैसे दिखाएंगे, है ना, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी के लिए हमें कितने साइज का एंटीना चाहिए। तो हमने साइंटिफिक स्टडीज से ये रिलेशन निकाला कि एंटीना हाइट ठीक है शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाय 4। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल। तो अब लेट सपोज कि लेट सपोज कि यहां पर वेवलेंथ दिया हुआ है आपको 15 किलोमीटर्स। कैसे 15 किलोमीटर्स है मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं। तो हमारे पास एक बेस बैंड सिग्नल है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में, दैट इज 20 किलोहर्ट्स उसका बैंडविड्थ है, ठीक है। और हमें ओरिजिनली इस सिग्नल को, जो मैसेज सिग्नल है हमारा, हमें भेजने की कोशिश करनी है। तो क्या डिफिकल्टीज आती है अगर इस सिग्नल को ओरिजिनली हम सेंड कर दें? तो सेंड करने के लिए हमें चाहिए एंटीना, पहली बात। तो देन उस एंटीना की हाइट क्या होगी, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। दूसरी चीज हो सकती है कि वो एंटीना जो हमने इंस्टॉल किया है उसका पावर रेडिएशन या रेडिएशन पावर कितना होगा, एंड सराउंडिंग में बहुत सारे दूसरे सिग्नल्स होते हैं तो उसके मिक्सिंग अप का भी इशू हो सकता है। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स जो हमें पहले समझने पड़ेंगे, तभी हमें मॉड्यूलेशन का मीनिंग समझेगा। मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं इसका हमें रियलाइजेशन होगा कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसीलिए नीड फॉर मॉड्यूलेशन ये एकदम परफेक्ट उसका हेडिंग है। सो अगर मैं बोलूं कि एंटीना का हाइट कैसा होना चाहिए, तो हमने साइंटिफिक स्टडी से एक प्रॉपर टाइम वेरिएशन मिलना चाहिए सिग्नल को, इसीलिए लेंथ या हाइट ऑफ एंटीना इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, मतलब वेवलेंथ ऑफ द बेस बैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल डिवाइडेड बाय 4। यूज हाइट ऑफ द एंटीना और लेंथ ऑफ द एंटीना, मतलब वर्टिकल एंटीना और एरियल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। सो तो अपने पास जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी है 20 किलोहर्ट्स, इस रेंज में आ रहा है, एंड दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कन्वर्ट कर लिया हमने ईएम में क्योंकि ऑडियो सिग्नल था, उसको इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। वी नो स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रिक्वेंसी। सो दिस कम्स आउट टू बी 10⁸ डिवाइडेड बाय 20 × 10³। इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो ये आ जाएगा 1.5 × 10⁴, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 किलोमीटर्स। 15 किलोमीटर वेवलेंथ है, तो अगर मैं 15 किलोमीटर यहां पुट करता हूं, 15 / 4 तो कितना हो जाएगा, है ना, दिस कम्स आउट टू बी 3.75 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर, 3.75 किलोमीटर का अगर मैं एंटीना बनाऊंगा, है ना, सो कितना बड़ा एंटीना हो जाएगा वो, नियर टू इम्पॉसिबल लग रहा है। इतना बड़ा एंटीना जस्ट टू सेंड ऑडियो सिग्नल्स, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक अप्रोच इसके लिए चाहिए, तो
जहां पर हमें हाई पावर हाई रेडिएशन भी मिले और एंटीना का हाइट भी हमें इतना कंस्ट्रक्ट ना करना पड़े। लेट सपोज कि अगर मैं मेरे पास कोई सिग्नल है विच इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी उसकी है 1 मेगाहर्ट्ज सपोज, ठीक है 1 मेगाहर्ट्ज, तो इसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा, सी बाय लैम्बडा, तो दिस कम्स आउट टू बी 10^8 डिवाइडेड बाय 10^6, सॉरी फ्रीक्वेंसी है, तो कितना आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 300 मीटर, 300 मीटर, तो लेंथ ऑफ एंटीना कितना हो जाएगा, लैम्बडा बाय 4, तो कितना हो रहा है ये 300 डिवाइडेड बाय 4, तो दिस 75 मीटर हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूं, ठीक, तो एंटीना का हाइट एकदम ड्रास्टिकली कम हो रहा है, ठीक है। ये एक रीजन था कि हमें हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स या हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स ही भेजने हैं। तो क्या हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स भेजेंगे तो ये ऑडियो रेंज वाले सिग्नल कभी भेज ही नहीं पाओगे आप, मतलब कभी ऑडियो सुन ही नहीं पाओगे, कि सिर्फ एंटीना में अगर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स ही भेज सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। इसीलिए हम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, देखते हैं कि हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करें विदाउट एनी लॉस ऑफ मैसेज और ओरिजिनल सिग्नल, ठीक है, ये एक बात हुई। तो ये कैसे करना है ये हम देखेंगे। दूसरी डिफिकल्टी थी हमारी, दूसरी डिफिकल्टी क्या थी, कि क्या जो हम एंटीना बना रहे हैं उसका रेडिएशन पावर इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक। सो साइंटिफिक स्टडी से, थ्योरेटिकल स्टडीज से हमको यह पता चला है कि रेडिएशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एंटीना एंड वेवलेंथ का स्क्वायर। इसका मतलब है कि वेवलेंथ जितना छोटा उतना पावर बड़ा। इसका मतलब है पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर मैं यहां पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डाल दूं तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर से, मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा पावर रेडिएशन, तो लो फ्रीक्वेंसी लो पावर रेडिएशन हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पावर रेडिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी फिर से इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब हमें चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी, यहां पर ये कंक्लूजन निकल रहा है। तो दोनों केसेस में हमारा यही कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर एंटीना का हाइट रिड्यूस करना है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, पावर का भी अगर तुमको पावर रेडिएशन भी बढ़ाना है कि दूर तक तुम्हारा सिग्नल पहुंचे, है ना, तो वी नीड टू हैव हाई फ्रीक्वेंसी। तो दोनों में कंक्लूजन निकला कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ही चाहिए, तो हम कैसे इसको कन्वर्ट करें। फिर तीसरा ऑब्स्टेकल ये था कि सिग्नल मिक्सअप हो जाते हैं, मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर, बोलते हैं हम लोग कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसमीटर से सिग्नल भी ये हो जाते हैं। जैसे सिग्नल्स कितने टाइप के होते हैं, कि जैसे ये एनालॉग सिग्नल है ना, एनालॉग वेव के फॉर्म में, और दूसरा सिग्नल कौन सा होता है, डिजिटल सिग्नल्स ऐसे होते हैं पल्सेस के फॉर्म में, है ना, जैसे हाई लो पल्स, इसके नीचे भी बना सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे इसके बीच में से टाइम एक्सिस दिखा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज एनालॉग सिग्नल, दिस इज डिजिटल डिजिटल सिग्नल। तो इसमें क्या होता है कि जब भी बहुत सारे लोग, जैसे मोबाइल टावर की बात है, एक ही बार में कितने तो फोन लग रहे होंगे, या बहुत सारे फोन्स शुरू है कंटिन्यूअसली, मतलब लॉट्स ऑफ ट्रांसमिटर्स आर वर्किंग, तो सारे ट्रांसमिटर्स के बेस बैंड सिग्नल्स कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं, है ना, तो ये अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो वो मिक्सअप होने के चांसेस ज्यादा है ना। तो वहां पर कोई सिंपल वे नहीं है कि कौन से फ्रीक्वेंसी को आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो
ओरिजिनल सिग्नल अगर लो फ्रीक्वेंसी है ना मैसेज सिग्नल, तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करो, सो दैट वहां पर क्या हो जाए, इंफॉर्मेशन कंटेंट रहे। अब ये थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा होगा आपको कि हर चीज में आप कंक्लूजन यही कर रहे हो कि यार हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो इसका मतलब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कभी पहुंचेगा ही नहीं, कोई किसी के काम में ही नहीं आएगा। तो यहां पर हमको उसका तोड़ निकालना है कि हम हाई फ्रीक्वेंसी तो भेजेंगे, वी विल सेंड हाई फ्रीक्वेंसी, पर ओरिजिनल सिग्नल को इंटैक्ट रखेंगे। ओरिजिनल सिग्नल को क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। सो विदाउट हैम्परिंग द ओरिजिनल मैसेज, हम उसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्टिंग दिस ओरिजिनल सिग्नल है ना इनटू अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इनटू अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज कॉल्ड एस मॉड्यूलेशन, इज कॉल्ड एस मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन किसका नाम है, कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हर बार बोल रहे हैं कि हमें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल चाहिए, तो ये जो ओरिजिनल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन वाला ओरिजिनल सिग्नल है, उसको हमें बस ट्रांसलेट करना है इनटू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल विदाउट चेंजिंग और अल्टरिंग इट्स ओरिजिनल मैसेज कंटेंट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, समझ में आया। अब मॉड्यूलेशन कैसे करेंगे देखते हैं आगे। तो ये जो आर्गुमेंट था कि जो भी लो फ्रीक्वेंसी बेसबैंड मैसेज सिग्नल्स है, उनको जब तक हाई फ्रीक्वेंसी नहीं बनाएंगे, ठीक है, तब तक, ठीक है, ये सिग्नल्स ट्रांसमिट करने लायक नहीं है, मतलब पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि एंटीना जो है, एंटीना की हाइट बढ़ानी पड़ी, ठीक है, या उसका रेडिएशन पावर ही उतना दूर तक नहीं जाएगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस में आप ऑडियो सिग्नल्स, मतलब लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स कभी भेज ही नहीं पाओगे। एक आर्गुमेंट ये था। और तीसरी ये चीज़ है कि लो फ्रिक्वेंसी पे नॉइज या फिर मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल्स वल्नरेबल हो जाता है सिग्नल, कि उसमें कुछ ना कुछ मिक्सअप हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसमीटर्स रहते हैं, जितना स्लो जाएगा सिग्नल उतना ज़्यादा उसको, लो फ्रिक्वेंसी रहेगा उतना ज़्यादा उसको मिक्सिंग अप होने का खतरा है। सो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स देने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि हमें हाई फ्रिक्वेंसी ही वेव बनानी है, लेकिन उसके ओरिजिनल सिग्नल के कंटेंट को कभी फर्क नहीं पड़ने देना है। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि विदाउट अल्टरिंग द ओरिजिनल सिग्नल। ठीक है, तो ओरिजिनल सिग्नल क्या होता है, कि जैसे हमने देखा कि दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, एक तो एनालॉग सिग्नल होता है और ये डिजिटल होता है। तो डिजिटल में ये राइजिंग पल्स है, दिख रहे हैं आपको, फिर ये पल्स का ड्यूरेशन है, मतलब पल्स इतनी बड़ी भी हो सकती है कि ड्यूरेशन बड़ा तो पल्स बड़ी, ठीक, और ये नीचे गिर रहा है। तो एक पल्स, एक जो वेव होगा, यहाँ पर भी वो वेव, एक राइजिंग और एक फॉल यहाँ तो होगा, ठीक है, तो एक राइज एक फॉल तक एक पल्स होता है, फिर दूसरा, ठीक। तो पल्स का एम्पलीट्यूड भी दिया गया है यहाँ पे, तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता ही होंगी, ठीक। हम इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी डिजिटल सिग्नल्स या डिजिटल पल्सेस के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम जो भी करेंगे दोज विल बी, ये सब एनालॉग सिग्नल्स होंगे, ठीक है। एनालॉग सिग्नल जैसा भी है, इसको हम एम्पलीट्यूड, साइन वेव ले रहे हैं हम, ठीक है, कॉस वेव भी ले सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं है। तो साइन ओमेगा सी टी प्लस फाय, दिस इज द कैरियर सिग्नल, ठीक है, कैरियर सिग्नल है।
अब इस कैरियर सिग्नल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखो बाकी सारे सिग्नल से कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई दिखेगी आपको। तो ये वाला जो पहला वाला है दिस इज सी टी कैरियर सिग्नल। तो देखो कैरियर सिग्नल को हमने रिप्रेजेंट किया, तो हम मॉड्यूलेशन में इस कैरियर सिग्नल के कुछ चीजें अल्टर करने वाले, चेंज करने वाले। क्या चेंज करने वाले हैं कि यार ये चेंज क्यों नहीं हो रहा। अब कैरियर सिग्नल के पास क्या है, कैरियर सिग्नल के पास एक तो एम्पलीट्यूड है, यहां पर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड दिस फाई इज नथिंग बट फेज। तो या तो आप उसका एम्पलीट्यूड चेंज कर सकते हो, अगर आपने एम्पलीट्यूड चेंज किया इस कैरियर सिग्नल का तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज किया, फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक, एफएम तो एएम हो गया, एफएम हो गया। अगर आपने इसको उसका फेज ही चेंज कर दिया, मतलब ऐसा है कोई सिग्नल उसको आपने 180 डिग्री चेंज कर दिया, फेज से उल्टा बना दिया, सो दिस इज कॉल्ड एज चेंज इन फेज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। ठीक, तो अपने पास ये सारे सिग्नल्स हैं जिसमें आप देखेंगे कि हमें जो कैरियर सिग्नल है इसको चेंज करना है। अब कैरियर को क्यों चेंज करते हैं हम, देखो हमारे पास सिग्नल था जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो थी, हमारे पास जो सिग्नल था उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो थी। अब हमें इसको एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बनाना है। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बनाएंगे कैसे, ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम कैरियर में बिठा देंगे। कैरियर मतलब कोई भी, जैसे आप थक जाते हो बहुत दूर ट्रैवल करना है आपको, तो आप क्या करते हो, बस से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, या कुछ की गाड़ी से जाते हो, गाड़ी क्या है आपकी कैरियर है। वैसे ही आप, ये सिग्नल है जिसकी लो फ्रीक्वेंसी आप पता है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर पाएगा, तो इस सिग्नल को इसके ऊपर बिठा दो, है ना। तो सिग्नल इसके वजह से, ये जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है इसके वजह से ये कैरियर जो है इसमें क्या हो जाएगा, इसका वजन बढ़ जाएगा या इसमें चेंजेस आने लगेंगे। किसमें चेंजेस आएंगे, कैरियर में चेंजेस आएंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखो आप कि आपको जो भी चेंजेस लेके आने हैं वो कैरियर सिग्नल में लेके आने, ओरिजिनल सिग्नल को कभी चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि मेजर इंफॉर्मेशन सारी आपकी ओरिजिनल सिग्नल में है ना। सुर ताल है, अगर ऑडियो सिग्नल है तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने भेजने जाते हो आप किसी को, तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन इस पे है। लेकिन ये दूर तक भेजना चाहते हैं या फिर सेफली भेजना चाहते हैं विदाउट मिक्सिंग अप, सो उसको कैरियर सिग्नल पे बिठा दिया। तो यहाँ पर ये जो एम टी लिखा गया है, एम टी इज नथिंग बट क्या, मैसेज सिग्नल। सी टी, सी टी क्या है, कैरियर सिग्नल विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन है, टाइम एक्सिस पे दौड़ रहा है। तो ये मैसेज सिग्नल है आपका जिसकी फ्रीक्वेंसी एकदम लो है। तो क्या हो जाएगा, जब भी इनका हमें कैरियर का मॉड्यूलेशन करना है, कैरियर का हमें, तो क्या होगा, इसकी जो, इसका जो एम्पलीट्यूड है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट उसका शेप ले लेगा क्या, कैरियर वेव, है ना। और हमें जो मिलेगी, हमें जो मिलेगा नया सिग्नल, दैट सिग्नल इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब आपको हैरानी होगी कि यार ये क्या दिख रहा है, तो इसको हम एनवलप भी बोलते हैं, जो पढ़ेंगे कभी अपने, अगर हायर क्लासेस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना रहा तो इसको देखेंगे तब। लेकिन हमको क्या करना है, इसमें समझ में आया क्या, ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं इसमें, कि हमें अगर एम्पलीट्यूड चेंज किया किसका, अगर हमने एम्पलीट्यूड चेंज किया किसका, कैरियर का, तो ये बन जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अगर हमने इसका फ्रीक्वेंसी चेंज किया, देखो यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी इस फॉर्म में है, यहाँ पर हमने उसका फ्रीक्वेंसी और बढ़ाया है, देखो यहाँ पे कितनी वेव्स आई, एक, है ना, एक वेव यहाँ पे खत्म हुई, यहाँ पर दूसरी वेव शुरू हुई, तीसरी वेव शुरू हुई, यहाँ पर देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है, चार वेव्स आ गई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की है किसकी, फिर से कैरियर सिग्नल की। और यहां देखो
अगर मैं इसका फेज मॉड्यूलेशन करना चाहूँ, फेज मॉड्यूलेशन आपने इसमें देखा होगा कि नहीं देखा होगा, देखो ये फेज, यहाँ पे गलती से पल्स मॉड्यूलेशन लिखा हुआ है लेकिन ये फेज मॉड्यूलेशन है। ये फेज मॉड्यूलेशन मतलब क्या, देखो यहाँ पर सिग्नल ऐसा शुरू हो रहा है ऐसा, और यहाँ पे 180 डिग्री शिफ्ट मिलेगा आपको, यहाँ तक सही है। फिर यहाँ पर देखो सिग्नल, फेज मॉड्यूलेशन नहीं है ये, तो यहाँ पर दिया हुआ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये आपको अपने स्टेट बोर्ड की बुक में भी मिल जाएगा एक डायग्राम। तो यहाँ पर एक सिग्नल दिया हुआ है दैट इज कैरियर वेव, जो कि एकदम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, देखो आप बहुत ज़्यादा ऑसिलेशन दिख रहे हैं आपको, है ना, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज वेव्स है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है या कैरियर वेव में ही चेंजेस लाने हैं, तो दिस इज आवर मैसेज सिग्नल ओरिजिनल जहाँ पर सिग्नल है, ठीक है। अगर उसका हम लोग एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं, किसका, कैरियर का, तो वो हो जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अगर हम उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, अब इसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हाई किया, यहाँ पर कम फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर फिर ज़्यादा है, फिर कम है, फिर ज़्यादा है, फिर कम है, यू आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू द नीड, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज की, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। और फेज मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन मतलब देखो यहाँ से शुरू हो रहा है वेव और यहाँ पे देखो उल्टा शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 180 डिग्री शिफ्ट मिल रहा है आपको यहाँ पे फेज में, 180 डिग्री शिफ्ट मिल रहा है। सो इस तरह के जो वेव्स होंगे, दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पर फेज चेंज हो गया, तो फेज मॉड्यूलेशन। तो तीन तरह के मॉड्यूलेशन हम लोग देखेंगे इसमें। आपके सिलेबस में सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी नहीं पूछते। सो यहाँ पर ये तीन जो वेवफॉर्म्स है वो फ्रिक्वेंटली आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो और क्या नेक्स्ट टॉपिक, तो मॉड्यूलेशन हम क्यों कर रहे हैं हमें पता चल गया है। तो हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है, ठीक है, एनालॉग सिग्नल, उसमें ताकत नहीं बची एक तो कि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सके, तो लॉन्ग डिस्टेंस का इसका इश्यू है, ठीक है ना, एंटेना में अगर उसको फेंकेंगे तो ना वो पावर रेडिएशन उसका ज्यादा आएगा, ठीक है। इसलिए हम इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किसका कर रहे हैं, हम कैरियर सिग्नल का। अब देखो कैरियर सिग्नल का अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें, तो कैरियर सिग्नल अपना सी टी, विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इज गिवन एज, जिसका एम्पलीट्यूड ए सी से रिप्रेजेंट किया मैंने, साइन ओमेगा सी टी, ठीक है। सेम फेज में हम लोग ऐसा मान लेते हैं। और मैसेज सिग्नल, उसका एम्पलीट्यूड है ए एम और साइन ओमेगा सी ओमेगा एम टी, ओमेगा इसका खुद का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, और कैरियर सिग्नल का तो हाई फ्रीक्वेंसी जानते ही है। अगर मैं ऐसा बनाऊँ यहाँ पे थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा ये, और अपना ये जो मैसेज सिग्नल होगा वो कुछ ऐसा होगा अलसी वाला, मतलब लो फ्रीक्वेंसी वाला होगा, ठीक है। बोथ आर फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ये दोनों सिग्नल्स हैं अपने पास। अगर आपको वेव्स वेवफॉर्म्स वगैरह अच्छे से समझ में आती है तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अब हमें क्या करना है, इस सिग्नल को इस पे बिठा देना है, जैसे कोई पैसेंजर है, मतलब ये मैसेज सिग्नल है और ये कोई हाई स्पीड एनर्जी वाली बस है, ये क्या है हमारी कैरियर है, ये मैसेज है, कैरियर में बैठ जाएगा बिना थके पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये अपना गोल है। तो जब ये इसके अंदर जाकर बैठ जाएगा, हम बोलेंगे हमारे पास जो सिग्नल होगा, अब
पैसेंजर इज इन द इनसाइड द व्हीकल, जब ये मैसेज इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा तो हमारे पास जो होगा, सो दैट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा अपने पास। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे सी एम ऑफ टी। अब ये सी क्यों दिया यहां पे, क्योंकि हम कैरियर सिग्नल, कैरियर तो वैसा का वैसा ही है ना, इसके अंदर मॉड्यूलेशन है ये हम लोग देख रहे हैं। तो हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है दैट इज सी एम विच इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां पर क्या होगा, सिंपल सा फंडा है कि खुद तो कैरियर का एम्पलीट्यूड वैसा ही रहेगा, प्लस ये पूरा का पूरा सिग्नल इसके अंदर आ जाएगा ए एम साइन ओमेगा एम टी इसके अंदर आ जाएगा, और इस पूरे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, थोड़ा कचरा कर रहा हूं लिखने में मैं, लेकिन समझ जाओ। ठीक है, तो ये जो कैरियर का फ्रीक्वेंसी रहेगा वो तो जैसा ओरिजिनल कैरियर का रहेगा फ्रीक्वेंसी, ये मॉड्यूलेटेड का वही फ्रीक्वेंसी रहेगा जो कैरियर का था, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पर एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे हैं किसके, कैरियर की। ठीक है, सो वी हैव अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है हमारे पास। फिर से एक बार लिखता हूं, वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, कि इसका जो नया एम्पलीट्यूड होगा वो कैरियर का एम्पलीट्यूड प्लस ये पूरा सिग्नल, ये इसके एम्पलीट्यूड में आ जाएगा ए एम साइन ओमेगा एम टी। ठीक है, ये अब इसका नया एम्पलीट्यूड हो गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, और फ्रीक्वेंसी कौन सी रहेगी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, जो फ्रीक्वेंसी कैरियर की थी, क्योंकि कैरियर ही हाई फ्रीक्वेंसी है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या, सो वी हैव न्यू मॉड्यूलेशन का एम्पलीट मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड, जो कि ये पूरा एम्पलीट्यूड है और उसकी फ्रीक्वेंसी यही रहेगी। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, चलो इसमें से कॉमन निकाल लेता हूं पहले। तो अगर मैं इसमें से एसी कॉमन निकालूं तो यहां क्या बचेगा, एसी कॉमन निकाला मैंने तो क्या बचेगा यहां पे, वन ए एम, यहां पे तो एसी है नहीं, तो ए एम डिवाइडेड बाय एसी साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा। चलो अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हमको जो सिग्नल मिला है दैट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसकी वैल्यू है एसी वन प्लस ए एम बाय एसी साइन ओमेगा सी टी साइन ओमेगा सी सॉरी ओमेगा एम टी और ये सी टी। ठीक है, तो ये जो सिग्नल है इसमें ये जो रेशियो है ए एम बाय ए सी, दिस सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, इसको बोला जाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है किसी भी चीज का रेशियो, सेम चीज का रेशियो, उसको हम इंडेक्स बोलते हैं ना। इंडेक्स मतलब क्या, बुक के पहले इंडेक्स पेज होता है जो हमें बताता है कि यार पहला चैप्टर कहाँ है, दूसरा चैप्टर कौन से पेज पे है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि एम्पलीट्यूड कितने से चेंज हुआ। ठीक है, तो हम इस म्यू को हमेशा लेस देन और इक्वल टू वन रखते हैं। क्यों ऐसा रखते हैं हम लोग, अगर इसका रेशियो लेस देन वन है, इसका मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, मतलब ये जो मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल का अगर एम्पलीट्यूड बड़ा होगा तो जब वो कैरियर पे बैठेगा तो कैरियर नीचे रह जाएगा और एम्पलीट्यूड ऊपर आ जाएगा। तो ये बाहर निकल रहा है ना सिग्नल, तो करप्ट होने के चांसेस है। ठीक, तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स उसको चेक करने का काम करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सपांड करूं, सो ये बात आप ध्यान में रखो क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर मैं इसे एक्सपांड करूं फिर से, साइन वैल्यूज को मैं अंदर लेके आता हूं, सो मॉड्यूलेटेड सिग्नल सी एम टी इज नथिंग बट
क्या आ जाएगा? एसी साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू एसी, यहां पे मैंने म्यू पुट कर दिया, एसी साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी, दिख रहा है क्या सबको? ठीक है, ये यहां पर आ गया और ये यहां पर आया, ये दो जगह पर पहुंच गया है, ठीक है, और एसी अंदर आ गया, ठीक है, तो ये एक फैक्टर, ये एक आ जाएगा, ये दूसरा है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है यहाँ पे, तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आता है? साइन ए इंटू साइन बी, क्या आ जाएगा? हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बायो वाले थोड़े डर गए होंगे, मतलब नीट वाले, डरना नहीं है, ये याद रहना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसको याद रखो, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास? एसी साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू, और इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा? 1/2, मतलब ए प्लस बी, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो एसी पहले से ही था, तो क्या आ जाएगा? म्यू एसी बाय 2 कॉस ओमेगा सी। ओमेगा सी पहले इसलिए ले रहे हो कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी, ओमेगा एम, ठीक है, इसको ए लिया मैंने और इसको बी लिया, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम करना सही रहेगा, माइनस ओमेगा ए सी, इसको एक्सपेंशन करके ही लेके आना है, कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा, ठीक है, लिख लिया। तो ये अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट इस पे ध्यान में आ जाएगा। सो अपने पास ये वाला इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, फिर म्यू की वैल्यू रिप्रेजेंट, म्यू की वैल्यू यहाँ पर डाल के हमने सीधा इसको एक्सपांड कर दिया, ये इक्वेशन सेकेंड वाला इक्वेशन कर दो, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये सारे तीनों इक्वेशन से हमको ये पता चलता है कि हमारे पास तीन रेंज में फ्रीक्वेंसी है, तो तीन रेंज में फ्रीक्वेंसी है तो तुम्हारा सिग्नल बनेगा कैसे? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, यहाँ कैरियर की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, यहाँ कैरियर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा सिग्नल बनेगा वो किस तरह का सिग्नल होगा, है ना? वो सिग्नल विद एन एनवलप बनता है, जैसे यहाँ पर सिग्नल है, फिर कम कम होते गया, है ना, फिर और थोड़ा सा बड़ा, फिर और कम हुआ, ठीक है, तो कभी कम कभी ज्यादा, कभी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी वो, सो वी हैव सच टाइप ऑफ सिग्नल, है ना, यहां पर इस तरह का सिग्नल हमें मिलता है इन बोथ द डायरेक्शंस। यहां पर जो बना है दैट इज कॉल्ड एज एनवलप, ये इसको जो बना है, क्या बोला है इसको? एनवलप, ठीक है। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी मिली ओमेगा सी, ओमेगा सी माइनस, तो यहां पर तीन तरह की फ्रीक्वेंसी मिली, यहां पर देखिए ओमेगा सी, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे लोएस्ट ये वाली होगी और ये बीच में आएगी। तो अगर इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, जो बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म में ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, कि अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ लूं, फ्रीक्वेंसी किस में आएगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस आती है, ठीक है, और अगर यहां पर एम्पलीट्यूड में मेजर करूं, तो आप
देखोगे पहले इसमें, अगर मैं रिलेशन यहां पर शो करने की कोशिश करूं, कि जब फ्रीक्वेंसी एकदम कैरियर वाली फ्रीक्वेंसी होती है तो एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, क्योंकि कैरियर का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। फिर इसका एम्पलीट्यूड देखो और इसका भी एम्पलीट्यूड देखो, ऑलमोस्ट सेम है ना। अगर मैं इसको पूरी तरह पॉजिटिव लूं एम्पलीट्यूड वाइज, तो मेरे पास एम्पलीट्यूड में सबसे ज्यादा कैरियर का एम्पलीट्यूड है, और फिर म्यू एसी बाय टू ये एक है। सो यहां पर सबसे ज्यादा कैरियर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, दिस कैरियर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा सी। यहां पर जो आएगी दैट इज ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और यहां पर भी जो आएगी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसा लिखना है में, कि कैसे लिखना है क्या लिखना है। तो ये हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है फ्रीक्वेंसी का, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हम ये लिख रहे हैं कि हमें एक जो फ्रीक्वेंसी बैंड मिल रहा है, तो ये इसको बोला जाता है लोअर साइड बैंड, क्योंकि ये साइड में है इस फ्रीक्वेंसी के। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ये हमारा जो मेन कैरियर वेव था उसका फ्रीक्वेंसी है, और ये अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड मतलब इससे ज्यादा है जो उसके साइड में है, इसलिए साइड बैंड। तो ये है लोअर साइड बैंड, और ये है अपर साइड बैंड। लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड हम क्यों बना रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये साइड में है किसके? ओरिजिनल कैरियर की फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, समझ में आई बात? तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना इसको, प्लीज इसको फॉलो करो और अच्छे से इसको लिखो।